तो मैं क्या चूज करूँ, मैं जब भी किसी चीज को टच करूंगी तो मुझे उसके बारे में सच्चाई पता चलेगी, और जब भी मैं किसी चीज को टच करूंगी तो मैं अपनी एक मेमोरी खो दूंगी। मैं अपनी लाइफ की किसी भी मेमोरी को खोना नहीं चाहती, क्योंकि अच्छी मेमोरीज जिंदगी को खुशी खुशी बिताने के लिए बहुत जरूरी है, और वहीं बुरी मेमोरीज भी उतनी ही जरूरी है ताकि मैं उसे मिली हुई सीख को जिंदगी भर भूल ना सकूं। इसलिए मैं इस ऑप्शन को चूज करूंगी। ओए मिंकी, ये देखो मेरे पेरेंट्स ने मुझे क्या बर्थडे गिफ्ट दिया। मुझे देखने दो। तुम्हें पता है ये मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए पैरिस से खरीदा है, वो डिजाइनर बैग है ना, इसलिए यहाँ नहीं मिलता। इसके पेरेंट्स ने इसे सरोजनी मार्केट से खरीदा है, वो भी सिर्फ 150 रुपए में। क्या हुआ मिंकी, तुम ऐसी शक्ल क्यों बना रही हो? कुछ नहीं, मैं कह रही थी ये कितना क्यूट है ना। थैंक्स, क्यूट तो होगा ही ना, इतना एक्सपेंसिव जो है। चलो मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। मॉम, अगर मैं थोड़ी देर के लिए करण के साथ बीच पर चली जाऊँ तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगी। मिंकी बेटा, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे पानी के आसपास जाने वाली बात से मुझे कैसा फील होता है। मम्मी चिंता मत करिए, आपका ये कभी ना सच होने वाला डर कि मुझे एक शार्क खा लेगा, ये कभी सच नहीं होने वाला है। मिंकी ये मेरा डर नहीं है, मुझे पता है कि ये हो सकता है, इसलिए मैं तुम्हें बीच पर नहीं जाने दे सकती। तो मेरा जवाब है नहीं, तुम बीच पर नहीं जा सकती, ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है। मॉम कम ऑन प्लीज, मुझे बस एक बार बीच पर जाने दीजिए प्लीज मॉम। इसने तुम्हें तुम्हारी रियल मॉम से छीना है। क्या हुआ मिंकी, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? कुछ नहीं मॉम, मैं सोच रही थी कि आप ठीक बोल रही हैं, भूल जाइए कि मैंने आपसे कुछ पूछा भी था। ठीक है बेटा, तुम कितनी समझदार हो। मैं अपने रूम में जा रही हूँ। ये जरूर कोई क्लच होगा, ऐसे कैसे हो सकता है? हे मिंकी, कौन है? ये मैं हूँ यहाँ पर। करण, करण तुम मेरे विंडो पे क्या कर रहे हो? मैं तो बस यहाँ तुम्हें तुम्हारे स्ट्रिक्ट मॉम से बचाकर यहाँ से भगाकर बीच पर ले जाने आया हूँ। वो सब छोड़ो, पर क्या तुमने अपने बालों को कलर किया है? क्या हाँ? ये तुम्हारे ट्रांसफॉर्मेशन का एक हिस्सा है। ट्रांसफॉर्मेशन? ये किस ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा है? मिंकी क्या तुम ठीक हो? मिंकी सब ठीक है ना? हाँ, चलो यहाँ से बाहर निकल के बीच पर चलते हैं, मुझे फ्रेश एयर की बहुत जरूरत है। ठीक है, आराम से चलो। ओ कम ऑन मिंकी, हम यहाँ बैठने नहीं आए, बीच पर आए और पानी में नहीं गए तो क्या फायदा? करण में पानी में, कम ऑन तुम्हें पानी के अंदर आना ही होगा। ये लो, ये वही जगह है जहाँ तुम्हारी मॉम को पकड़ा गया था। मिंकी क्या कोई प्रॉब्लम है? करण मुझे तुम्हें कुछ बताना है। हाँ ठीक है करण, सुनने में तुम्हें थोड़ा अजीब लगेगा पर बात यह है कि तो तुम्हें लग रहा है कि तुम एक मोमेंट में ट्रांसफॉर्म हो रही हो, और जो तुम्हारी मॉम है वो असल में तुम्हारी मॉम नहीं है, बल्कि उन्होंने तुम्हें तुम्हारे रियल मॉम से छीना है। जरा तुम ही सोचो, मेरी मॉम मुझसे कभी नहीं कहती कि वो मुझसे प्यार करती है, और तो और वो बिल्कुल नहीं चाहती कि मैं कभी पानी में जाऊँ। पर अभी तुमने ही तो कहा कि उन्हें शार्क्स का डर है, क्या तुम्हें सच में उस कहानी पे यकीन है? I mean ये बात कि तुम्हारी मॉम को शार्क्स का डर है तुम्हारा मोमेंट में ट्रांसफॉर्म हो जाने वाली बात से ज्यादा रियल लगता है। You know what, Karen, मुझे लगता है कि तुम ठीक कह रहे हो, सिस्टम में जरूर कोई ग्लिच है, और मेरे बाल इनमें बस हो सकता है कि मेरे न्यू शैम्पू की वजह से कोई रिएक्शन हो गया हो। हाँ तो क्या मैं तुम्हें तुम्हारा घर ले चलूं? करण बुरा मत मानना, पर मेरी मॉम को तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो, तो मैं खुद से चली जाऊंगी। हाँ मैं समझ सकता हूँ, पर संभल कर जाना। थैंक्स, मैं ख्याल रखूंगी। मिंकी बेटा क्या तुम मुझे मेरा फोन ला के दे दोगी? हाँ बिल्कुल। एक मिनट, क्या तुम्हें भी ये स्मेल आ रही है? ये स्मेल तो सॉल्टी वाटर जैसी है। नहीं तो मुझे तो कोई स्मेल नहीं आ रही है। नहीं मिंकी, मैं इस स्मेल को अच्छे से पहचानती हूँ। मॉम मैं फोन लेकर आती हूँ। कहाँ है मॉम का फोन? इस फोन में तुम्हारी और तुम्हारी मॉम की सीक्रेट वीडियो है। ये भी बस एक ग्लिच है, मेरी मॉम के फोन में ऐसी कोई वीडियो नहीं हो सकती। क्या करूं? क्या मुझे मॉम का फोन अनलॉक करके देखना चाहिए कि आखिर इसमें ऐसी कौन सी वीडियो है जिसको देखने के बाद एक बहुत बड़े राज का पर्दाफाश हो सकता है? अगर मैंने आज ये नहीं किया तो मैं अपनी पूरी लाइफ डाउट में ही रह जाऊंगी, और मुझे कभी पता नहीं चल पाएगा कि आखिर सच क्या है। वेट, ये कौन सी वीडियो है? एक हफ्ते हो गए हैं इस मरमेड को अपने बेबी को जन्म दिए हुए, और अभी तक इस बच्ची के अंदर मरमेड होने के एक भी सिम्टम्स नहीं दिखे हैं। मिंकी तुम मेरे फोन में क्या देख रही हो? क्या तुम कोई वीडियो देख रही थी? नहीं मम्मी मैं कोई वीडियो नहीं देख रही थी, वो बस मैं आपका एक मैसेज पढ़ रही थी। आपके फोन में अभी अभी मेरी डॉक्टर की तरफ से एक मैसेज आया है, वो कह रही है कि एक बहुत ही अर्जेंट बात है और वो उनकी नेक्स्ट अपॉइंटमेंट के लिए यहाँ जल्द से जल्द आने वाली है, इससे पहले उसका डोज खत्म हो जाए। मिंकी मेरा फोन वापस दो। I am so sorry मॉम, मैं मुझे लगता है कि मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे अब सोने जाना चाहिए। रुक जाओ, इतनी जल्दी क्या है, अभी तो शाम के सिर्फ 6 बजे हैं। वेट, मैंने तो ये नोटिस ही नहीं किया, तुम्हारे बालों का कलर बदल रहा है। ओह माय गॉड, हमें तुरंत तुम्हारे डॉक्टर के पास चलना होगा। तो क्या तुम्हें अपनी तबीयत में कोई बदलाव महसूस हो रहा है? मिंकी बेटा सच सच बताना। नहीं कोई बदलाव महसूस नहीं हो रहा है। और क्या तुमने ये नोटिस किया कि तुम्हारे बालों का कलर बदल रहा है? हाँ वो मुझे लगता है कि बस मेरे न्यू शैम्पू की वजह से मेरे बालों में कोई रिएक्शन हो गया है। ठीक है चलो तुम्हारा टेम्परेचर चेक करते हैं, अपना मुंह खोलो। इसका यूज करके तुम्हें ड्रग्स दिया जा रहा है। आपको मैं सोच रही थी क्यों ना मैं जल्दी से वॉशरूम से होकर आ जाऊँ। हाँ क्यों नहीं जाओ, बस ज्यादा लेट मत करना मिंकी बेटा। ये मैं कहाँ फंस गई, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना होगा। हाँ ये बबल्स कहाँ?
इस दरवाजे के पीछे तुम्हारी रियल मॉम है। मॉम, हाँ, उन लोगों की इतनी हिम्मत कि उन लोगों ने आपको एक वाटर टैंकी बंद करके रखा है। क्या आप कहना चाहती हैं कि मैं उस फ्लशर का यूज करके इस वाटर टैंक का सारा पानी बाहर निकाल दूं? पर अगर मैंने ऐसा किया तो क्या आपकी जान नहीं चली जाएगी? नहीं। ठीक है फिर। मॉम, मॉम, ये लीजिए, टॉवल ले लीजिए। थैंक यू बेटा। हाँ, आपने ये कैसे किया? आपने खुद को एक ह्यूमन में कैसे ट्रांसफॉर्म किया? बेटा, मुझे बहुत खुशी है कि तुमने मुझे ढूंढ लिया। मैं खुद को एक ह्यूमन में इसलिए ट्रांसफॉर्म कर पाई क्योंकि मैं हाफ ह्यूमन और हाफ मर्मेड हूँ। और तुम भी मेरे जैसे ही हो। उन लोगों ने तुम्हें मुझसे दूर कर दिया था और मुझसे कहा था कि मैं तुमसे फिर कभी नहीं मिल पाऊंगी। ये मरने वाली है। मॉम, आपकी जान जा रही है। मुझे जल्द से जल्द समुद्र तक पहुंचना होगा। इन लोगों ने मुझे यहाँ काफी लंबे समय से रखा हुआ है। तुम्हारे पापा ने बहुत कोशिश की थी मुझे इन लोगों से बचाने की, पर मेरे पापा कहाँ है वो? तुम्हारे पापा मर चुके हैं। हाँ, वो बेचारा तुम दोनों को बचाते बचाते अपनी जान गंवा बैठा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम दोनों को अपने कैद में लेने के लिए हमें जो भी करना पड़ता हम वो सब करते। और वैसे भी हम साइंटिस्ट रिसर्च करने के लिए ही तो जीते हैं। चलो अब चुपचाप टैंक में वापस चली जाओ। कोशिश भी मत करना, मेरी मॉम से दूर हो जाओ। कम ऑन मिंकी, अब तुम भी हमें नहीं रोक सकती क्योंकि तुम भी अब एक मर्मेड में ट्रांसफॉर्म हो रही हो। चलो अब गिव अप करने का टाइम आ गया है। हाँ, तुम दोनों का हैंड्स अप। करण, मिंकी तुम ठीक हो ना? छोड़ो हमें, क्या तुम लोग पागल हो गए हो? तुम लोगों को इन मर्मेड्स को पकड़ना चाहिए ना। बिल्कुल चुप हो जाओ, हमें मत बताओ कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मिंकी तुम ठीक हो ना? करण, हम दोनों को जल्द से जल्द समुद्र तक पहुंचना होगा, हमारी जान जा रही है। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं और मेरे डैड तुम्हें और तुम्हारी मॉम को समुद्र किनारे तक ले चलते हैं। आओ मेरे साथ। ये तुम्हें बहुत पसंद करता है। चिंता करने की कोई बात नहीं है, हम हमारी पुलिस कार को ले चल सकते हैं। चलो हमारे साथ। थैंक यू सर। थैंक गॉड मिंकी, हम टाइम रहते समुद्र तक पहुंच पाए। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। क्या हो रहा है मिंकी तुम्हें? मिंकी, मिंकी, ओ माय गॉड मिंकी, तुम कितनी ज्यादा प्यारी लग रही हो। पर करण बेटा, तुम हमारे बारे में किसी को नहीं। डोंट वरी मैम, आपका सीक्रेट हमारे साथ सेफ है। थैंक यू सो मच, अब हमें जाना चाहिए। पर मिंकी, डोंट वरी, मैं तुमसे मिलने फिर आऊंगी, आई प्रॉमिस। मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। करण रुको, जस्ट इन केस मैं तुमसे कुछ टाइम के लिए मिलने ना पाऊँ तो। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। जल्दी वापस आना मिंकी।